सुखनासु प्रदेश पर हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परस्परम विरुद्ध चेंद्र जालमिव दर्शयंती प्रकटयति जगत निजम चरितम, इस पंक्ति में किसका वर्णन है। तो देखिए, हम लोग सुखनासु प्रदेश में चंद्रापीठ का परिचय हो गया, या चंद्रापीठ के पिता कौन है, माता कौन है, प्रेमिका कौन है, इनके भाई बंधु कौन है, ये सब चीजों का प्रश्न कर चुके हैं। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आए हैं, सुखनासु प्रदेश के अंदर जो जिसकी चर्चा की गई है उसके बारे में देखिए। तो परस्परम परस्परम विरुद्ध चेंद्र जालमिव दर्शयंती प्रकटयति जगति निजम का चरितम, इस पंक्ति में किसका वर्णन है। सुखनास का है कि लक्ष्मी का है कि तारापीठ का है कि चांडाल कन्या का है। तो अब आपको बताना है किसका वर्णन किया गया है। तो सबसे ज्यादा वर्णन सुखनासु प्रदेश में किसका मिलता है, लक्ष्मी का। किसका मिलता है, लक्ष्मी का। तो जो इंद्रजाल के समान परस्पर विरोधी दिखाते हुए जगत में अपना चरित्र प्रकट करती है। तो कौन जगत में अपना चरित्र प्रकट करती है, लक्ष्मी। किसकी तरह, इंद्रजाल की तरह, है ना। तो कौन करता है, लक्ष्मी करती है। और आपको पता है सुखनास लक्ष्मी के बारे में ही ज्यादा वर्णन किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पंक्ति से किसका वर्णन आपको समझ में आ रहा है, तो लक्ष्मी का। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, ना सुखनास का, ना तारापीठ का, ना चांडाल कन्या का। सुखनास उपदेश में चांडाल कन्या का कोई वर्णन नहीं है, आपको कादम्बरी कथा मुख में मिलेगा। सुखनास तो वक्ता है, वो केवल बताते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होती, केवल वक्ता है, कहने वाले। और तारापीठ कौन है, चंद्रापीठ के पिता है, इनकी भी वहां कोई बात नहीं होती। और श्रोता है हमारे चंद्रापीठ, वक्ता है सुखनास, श्रोता है चंद्रापीठ। तो इसलिए आपके इस विकल्प में वैसे भी चांडाल कन्या कथामुख में है, तारापीठ का यहाँ कोई चर्चा नहीं है, सुखनास वक्ता है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, सीधे सीधे आपके पास ऑप्शन लक्ष्मी का बचता है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपशशाम में लकार है, उपशशाम में लकार बताना है। लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लंग लकार, आप बताइए उपशशाम में कौन सा लकार होगा। लिट लकार होगा, क्या होगा, लिट लकार होगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दातारम पद में प्रकृति प्रत्यय है, दातारम पद में प्रकृति प्रत्यय है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दा त्रिच द्वितीय बहुवचन, दा अम प्रथमा एक वचन, दा त्रिच द्वितीय एक वचन, द्याय घय प्रथमा बहुवचन। तो आप लोग देखिए और बताइए क्या विकल्प, कौन सा विकल्प सही है। देखिए दा धातु है, त्रिच प्रत्यय है ना, द्वितीय का एक वचन जब करेंगे तो दातारम बन जाएगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। विकल्प सी सही उत्तर है, दातारम में द्वितीय एक वचन है, दा धातु है और त्रिच प्रत्यय है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वार शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा, वार शब्द, अगर वार का रूप पता होगा, वार मतलब जल, नपुंसक लिंग में है ना, ठीक, हाँ। तो आपको अगर पता होगा तो बताइए वार शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप बनेगा। वारेड़, वारिडा, वारिया, वारिसा। कैसे चलता है रूप, अच्छा एक वचनांत पढ़िए तो, अरे एक वचनांत, जैसे राम 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 रामम रामे रामा, ऐसे हाँ, वार वार वारिड़ा वारिड़े वारिड़ा वारिड़ा वारिड़ी, ऐसे रूप चलता है ना। तृतीय एक वचन में क्या बन जाएगा, वारिड़ा, वारिया, वारिसा, वारिड़ कहीं नहीं बनेगा। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, वार शब्द का तृतीय एक वचन में वारिड़ा बनता है। अवधार्यंता पद में प्रत्यय है, अवधार्यंता पद में प्रत्यय बताना, शानस त्रिशत्र घय। देखिए शानस में अवधार्यंता में पहले देखिए क्या शेष बच रहा है, आपको अतः दिख रहा है, चलिए ठीक है, देखते शानस में क्या शेष बचता है। आन, त्रिच में कर्ता कर्तारो कर्तारो, कर्ता पद में त्रिच लगता है, ठीक है। सत्र में अत शेष बचता है, घय में पुल्लिंग होता नहीं, जैसे राग राग वेद पाक, ये सब में घय, ये सब नित्य नित्य पुल्लिंग होते हैं ना। सत्र क्या होता है, तीनों लिंग में रूप चलते हैं। और सत्र सानच कैसे होते हैं, सत संज्ञा होती है, सत्र सानच की सत संज्ञा होती है। और वर्तमान कालिक प्रत्यय है, बता रहा अवधारणता में क्या दिख रहा है आपको, तो सत्र प्रत्यय दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सत्र प्रत्यय। विकल्प ए आपका क्षमता, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। सारच भी नहीं है, त्रिच भी नहीं है, घय भी नहीं है। घय को बताया गया नित्य पुल्लिंग है, जैसे राग वेद पाक इन सब पूछा जाएगा तो आपको बताना है घय प्रत्यय है। सत्र में आप अवधारणता जैसे देख रहे हैं वैसे ही पठन चलन लिखन
इन सब में भी आपको क्या मिलेगा, सत्र प्रत्यय। सत्र प्रत्यय कर्ता कर्तृपद जैसे होता है, त्रिच कर्ता कर्तारो कर्तारा, इस समय क्या है, त्रिच प्रत्यय है। त्रिच सालच मतलब क्या, कम मान है ना, कुरुआण है, इस तरह में आपको सालच प्रत्यय दिखेगा। तो विकल्प आपका सी सही उत्तर है, सत्र प्रत्यय। उदाहरण में सत्र प्रत्यय है। ये सब वर्तमान कालिक, वर्तमान का काल की क्रिया हो तो आप इस प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रही रिव गृह्यन्ते, मंत्री रिवा वेश्यन्ते, पिशाचई रिव ग्रस्यन्ते, इत्यादि स्थलों में अलंकार है। अलंकार बताना है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, निदर्शन है, उपमा है। तो आप बताइए, ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, मंत्रों के द्वारा वो अपने वेश बस में कर लिए जाते हैं, पिशाच के द्वारा ग्रसित कर लिए जाते हैं, ग्रस लिए जाते हैं, दस लिए जाते हैं जैसे बोलते हैं, इन स्थलों में कैसा अलंकार है, रूपक है कि उत्प्रेक्षा, मानो ऐसे ऐसे हो जाते हैं, है ना भाई, क्या इव दिख रहा है, इव इव में आप उपमा या उत्प्रेक्षा मानते हैं, लेकिन जब अर्थ निकालेंगे तो यहाँ लिखेगा मानो ऐसा ऐसा लक्ष्मी के आने पर राजा लोग जैसे ग्रहों के द्वारा क्या कर दिए जाते, ग्रहण कर लिए जाते हैं, मंत्रों के द्वारा अपने वेश में कर लिए जाते, मानो ऐसा कर लिए जाते हैं, तो यहाँ क्या दिख रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है, उत्प्रेक्षा। संभावना के अर्थ में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्या है, हाँ, संभावनम मतो प्रेक्षा प्रकृतस्य समय नेथम मम्मट का बता रहे काव्य प्रकाश मम्मट के अनुसार, उत्प्रेक्षा का लक्षण है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि गृहीयन्ते, मंत्रै रिवावेश्यन्ते, पिशाचै रिवग्रस्यन्ते में उत्प्रेक्षा अलंकार है। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरुषोत्तम व्रतात खलजन प्रिया रेणुमयी सक्षम अपि कलसी करोति, इन पंक्तियों में अलंकार है, इसमें भी अलंकार बताना है, विरोधाभास दीपक निदर्शन उत्प्रेक्षा। तो देखिए आपको बताना है कौन सा अलंकार है। पुरुषोत्तम रतात खलजन प्रिया, क्या अर्थ हो जाएगा, श्रेष्ठ पुरुषों में आसक्त। हाँ देखिए, पुरुषोत्तम मतलब श्रेष्ठ पुरुष, ठीक है, तो उसमें भी आप मतलब होते हुए भी, रत मतलब उसमें भाई नहीं, पुरुषोत्तम में रति रहती ना, उसके बाद खलजन, खलजन मतलब दुष्ट लोग हैं उनकी प्रिया कुल लक्ष्मी, तो क्या हो जाएगा पूरा, हाँ तो क्या हो जाएगा पूरा, श्रेष्ठ लोगों के अंदर, श्रेष्ठ पुरुषों में आसक्त होते, हाँ श्रेष्ठ पुरुषों में आसक्त होते हुए भी दुष्ट जनों से प्रेम करती है कौन, हाँ क्या ऐसा होता है कि पुरुषोत्तम के पास, पुरुषोत्तम में श्रेष्ठ पुरुषों के पास लक्ष्मी रहती है, रहती मान लीजिए रहती है, लेकिन क्या दुष्ट लोगों के पास नहीं रहती, क्या उनके पास भी चली जाती है कौन, लक्ष्मी। और रेणुमयी सक्षम अपि कलसी करे, कहते हैं कि धूल, क्या रेणु मतलब धूली ना, स्वच्छता होते हुए भी वो क्या करती, कलुषित कर देती है लोगों को। भाई लक्ष्मी आती, क्या आती कहमत को मारा गया, उनके पास क्या थी, लक्ष्मी थी नहीं, तो वो कैसा आदमी था, वो अच्छा आदमी था, पुरुषोत्तम था क्या, कि खलजन था, तो भी उनके पास लक्ष्मी थी। लेकिन क्या होता है, इंसान कहता है कि अरे भाई दुष्ट लोगों पास अच्छे लोगों को नहीं रहना चाहिए, दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, पर लक्ष्मी क्या करती है, लक्ष्मी दोनों को पकड़ती है। और देखिए जो पुरुषोत्तम है उनके पास ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, पर जो दुष्ट लोगों के पास, उनके पास ज्यादा देर तक टिकती है, जो मार धाड़ करते हैं उन्हीं के पास पैसा आता है कि नहीं, जो डकैती करते देखे उनके पास पैसा रहता है, जो अतिक्रमत की तरफ या किसी और को नाम कह ले हमको भी डर लगता है भाई। तो अब आप जानिए लक्ष्मी के बारे में सुकनास ने क्या कहा, सुकनास उपदेश पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ कैसा अलंकार है, केवल समझाना ये है कि अलंकार कैसा है, केवल ये जानिए कि अलंकार यहाँ पे आपको क्या रूपक दिख रहा है, कि दीपक दिख रहा है, कि निदर्शना दिख रहा है, कि उत्प्रेक्षा दिख रहा है, कि उपमा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं अर्थ कि पुरुषों मतलब श्रेष्ठ जनों पर आसक्त होते हुए भी दुष्ट जनों के पास की भी प्रिया है या रहती है, तो कैसा अलंकार दिख रहा है, तो विरोधाभास दिख रहा है भाई। जब अच्छे लोगों के पास रहती है तो गलत लोगों के पास नहीं रहना चाहिए, और गलत लोगों के पास रहती है तो अच्छे लोगों के पास नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ विरोध दिख रहा है ना, ऐसा कैसे है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विकल्प ए सही उत्तर है। ऐसे जब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। विकल्प ए सही उत्तर है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, इस पद में संधि है, लीजिए हम संधि तोड़ दिए, अब तो आप बता ही सकते हैं क्या है। विग्रहवती यहाँ हो जाएगा, यहाँ आप हो जाएगा, यहाँ अप्रत्यक्ष दर्शना हो जाएगा, तो हल संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि है कि यण है,
कौन सा संधि होगी बताइए। आपको यहाँ दो दो जगह संधियां दिख रही हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विग्रहवती होगा ना, विग्रहवती होगा, फिर अप होगा, अप्रत्यक्ष दर्शना हो जाएगा। यहाँ यण संधि आपको दिख रहा है, यण संधि का सूत्र है इको यणच, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, यहाँ वती में ई है, ई की जगह यह हो जाएगा, अप में भी ई है, ई की जगह यह हो जाएगा, अच भी है, स्वर तो है ही, ठीक है, यण संधि होगा, विकल्प आपका डी सही उत्तर होगा। संधि आप लोग को पता ही, अपरिणामोपसमह का संधि विच्छेद होगा, अपरिणामोपसमह का संधि विच्छेद बताइए, अपरिणामोपसम, अपरिणाम उपसम, अपरिणाम उपसम, अपरियाम उपसम, यहाँ आपको दिख रहा होगा गुण संधि है कि नहीं, गुण संधि दिख रहा होगा, तो देखिए अपरिणामा उपसम होगा कि नहीं, गलत है, यहाँ पे अपरिणामा नहीं होगा, ओ भी नहीं होगा, अपरिणाम उपसम है, ये सही लग रहा है। देखिए और देख लीजिए, अपरिणाम उपसम, ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, अपरियाम उपसम, यह भी गलत है, देखिए विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा, यहाँ माँ में आ है, यहाँ ऊ आ रहा, आ ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, ऐसा गुण संधि का विधान है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये स्वर संधि का सूत्र है क्या, गुण संधि है, गुण संधि का क्या सूत्र है, आध गुणा अधेंग गुणा है ना भाई, एक संज्ञा करने वाला है, एक वृद्धि विधान करने वाला है, एक विधायक सूत्र है और एक संज्ञा सूत्र है। आइए, राज प्रकृति में समास है, षष्ठी तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व अव्यय, बहुत सरल है, सबको पता है, सब लोगों ने पढ़ा है, तो राज प्रकृति में अगर पूछा जाए समास तो बहुत सोचने वाली बात नहीं, राज्ञा पुरुष खूब पढ़े होंगे, राज पुरुष पढ़े होंगे, वैसे ही राज प्रकृति है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास होगा राज प्रकृति में, ऐसे राज राज पुरुष भी बनता है, ठीक है। विटान पांत इति, विटान पांत इति इस व्युत्पत्ति से होगा, क्या होगा, विटपा है, विटका है, विटकान, विटाया, तो विटान पांत इति इस व्युत्पत्ति से क्या होगा, हाँ क्या होगा, विटपा, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सुपास के अंतर्गत आता है, विकल्प ए सही उत्तर है, विटपा हो जाएगा, ठीक। प्रश्न है, सुकनाशोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, अब बताइए क्या है, द्युत क्रीड़ा का, राज संचालन का, लक्ष्मी को प्राप्त करने की विधियों का, युवावस्था में लक्ष्मी जन्य मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों का। तो आपको बार बार बताया गया, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, चौथा एपिसोड चल रहा है, इस एपिसोड से आपको ये पता चल चुका होगा कि मुख्य प्रतिपाद्य विषय सुकनास का क्या है। आपको पता है युवावस्था में लक्ष्मी जन्य मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों का वर्णन किया गया है, और एक राजा के पास जब लक्ष्मी आती है, आप जब उनके पास पौरुष आता है, जब उनके पास सामर्थ्य आता है, तो कैसे बदल जाते हैं वो, कैसे हो जाते हैं, लक्ष्मी उनको कैसे बदल देती है, उन सब चीजों को सुकनास यहाँ पर चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए बताते हैं, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि युवावस्था में लक्ष्मी जन जो मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों का वर्णन, हानियां क्या क्या हो सकती है, ऐसा उनसे रूबरू कराते हैं, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, कादंबरी कथा का नामकरण हुआ है नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, दासी के नाम पर, सुकनास के नाम पर, देखिए क्या दिया है, कादंबरी कथा का नामकरण, तो आपको पता होगा एक तो है सुकनासोपदेश जो कि सुकनास के नाम पर हुआ है नामकरण, पर कादंबरी कथा का नामकरण पूछा जा रहा है, तो ये किस पर हुआ है, नायिका के नाम पर, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि नायिका का क्या नाम है, कादंबरी, तो कादंबरी नायिका है, तो नायिका के नाम पर कादंबरी का कथा का नामकरण हुआ है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रापीठ के एक जन्म का नाम था, बताया ही गया है क्या, वैशंपायन, पुंडरीक, कपिंजल, शूद्रक, तीन जन्मों की कथा है, कितने जन्मों की कथा है, तीन जन्मों की कथा है, जिसमें सर्वप्रथम चंद्रमा, फिर चंद्रापीठ, फिर शूद्रक, तीन जन्मों की कथा में पहले वो चंद्रमा रहे हैं, फिर चंद्रापीठ रहे हैं, फिर शूद्रक रहे हैं, ऐसी वैशंपायन के भी तीन जन्मों की कथा है, कपिंजल के भी तीन जन्मों की कथा मिलती है, ठीक है, विकल्प क्या हो जाएगा, शूद्रक हो जाएगा ना, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शूद्रक, चंद्रापीठ के एक जन्म का क्या नाम था, शूद्रक नाम था। लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती, लक्ष्मी पापी समझकर
किसके पास तक नहीं जाती? विद्वानों के, धनहीनों के, विनयशील के, राजाओं के, किसके पास नहीं जाती? जो विनयशील होते हैं उनके पास नहीं जाती है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या है पंक्ति? देखिए, आप एक पैराग्राफ पूरा मिलेगा उसमें लक्ष्मी किसके किसको ईर्ष्या के समान मानती है, किससे सांप की तरह लांग जाती है, किससे पागल उन्मत्त समझती है, ऐसे करके छह आपके पास मिलेंगे। जैसे लक्ष्मी पापी समझ कर किसके पास नहीं जाती, किसे क्या ईर्ष्या करती है, किससे ईर्ष्या करती है, किसे पागल समझती है, ऐसा करके आप एक तरफ संस्कृत लाइन, एक तरफ किसको क्या समझती है, ऐसा करके नोट्स बनाइएगा। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छे, और इससे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विनयशील लोगों के पास क्या करती है लक्ष्मी? पापी समझकर नहीं जाती। जैसे देखिए, न परिचय रक्षत, परिचय नहीं देखती है लक्ष्मी। क्या करती है, कहाँ पे है? न रूपम आलो कहते हैं, ये कल बताए थे, ना रूप को देखती है, ना कुल क्रमम अनुवर्तते, ना कुल का अनुसरण करती है। पंक्ति नहीं है फिलहाल, ये वाली जो लाइन है वो अलग है। ईर्ष्या, जैसे सरस्वती को ईर्ष्या के समान मानती है और सांप के समान लांग जाती है, इस तरह है ये वाली पंक्ति, ये पैराग्राफ है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुप्यंत हितवादिने, यहाँ हितवादिने में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तृतीया विभक्ति है, हेतव सूत्र है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी शेष सूत्र है, चतुर्थी में क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या सुयार्थानम प्रतिकोप सूत्र है, सप्तमी विभक्ति आधारोधिकरण सूत्र है। तो आपको बताना है कि कुप्यंत हितवादी, यहाँ हितवादिनी में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो अगर आप पढ़े हैं कारक तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हितवादिनी में चतुर्थी दिख रही, पर कैसे कुप धातु है, कैसी धातु है, कुप धातु है, तो आपको पता होना चाहिए क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या सुयार्थानम प्रतिकोप, क्रुद्ध धातु हो, द्रुह हो, ईर्ष्या असूय ऐसे पद हो जिसके ऊपर कोप किया जाता है, क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्थी हो जाती है, अर्थात संप्रदान संज्ञा होती है, फिर क्या होती है, चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चतुर्थी व्यक्ति है हितवादिनी में कुप के योग होने पर, ठीक है। चलिए, विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, अकाल प्रावित गुड़कल हंस का नाम, प्रस्तावना कपट नाटक से, पुरा पताका सर्वा विनया नाम इत्यादि पंक्तियों में अलंकार है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा दीपक। तो आपको बताना है कि अकाल प्रावित गुड़कल हंस का नाम, अर्थात जो अकाल पड़ता है, जब ऐसी अचानक से बारिश होती है ना, तो जो हंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो भागने लगते हैं, उनको दिक्कत होती है ना, वो गंदा पानी तो पीते नहीं, मानसरोवर का पानी पीते हैं, साफ पानी पीते, तो उनके लिए अकाल प्रावट क्या होता है, उनके लिए जीने मरने वाला काम हो जाता है। प्रस्तावना कपट नाटक से, जो क्या कपट रूपी प्रस्तावना होती है, कौन, लक्ष्मी के बारे में बताया जा रहा है ना, अपूर्व पताका सर्वा विनया नाम, किसकी, हाँ जैसे झंडा आगे लोग लगा लेते हैं जब जीतते हैं, तो क्या करते हो, झंडा लहराता है सर्वा विनया नाम, सभी विनयों का क्या पूरा पताका है अविनया नाम, ठीक है, कहाँ है, हाँ, तो गुड़ रूपी कलहंसों के असमय जो वर्षा ऋतु है वो है अकपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है, कौन, लक्ष्मी। अब यहाँ ये तो लक्ष्मी के बारे में बताया गया, पर यहाँ अलंकार पूछा जा रहा है, अब पूरा पताका सर्वा विनया नाम, अर्थात अभिनय की क्या है, पूरा पताका है लक्ष्मी, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या किया जा रहा है, उपमा है, क्या उपमा आपको कहीं दिख रहा है, रूपक उत्प्रेक्षा दीपक, क्या दिख रहा है, रूपक दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पर उपमा दिख रही है, ना तो उत्प्रेक्षा दिख रही है, और ना दीपक अलंकार दिख रहा है, रूपक है, क्या हुआ है, आरोप किया गया है लक्ष्मी पे, लक्ष्मी ऐसी ऐसी है, ठीक है, क्या है रूपक अलंकार का, नहीं अभेदा रूप, हाँ अभेद का, अभेदा रूप जहाँ होता है वहाँ रूपक होता है, ठीक है। चलिए, आप शाही दर्पण पढ़े हैं लगता है, मम्मण को पसंद नहीं करते हैं, रूपक अलंकार होगा, विकल्प भी सही उत्तर होगा। समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रथ निकले थे आप बताइए, 18, 17, 14, 19, कितने रथ निकले थे, सबको पता होगा, कितने रत्न, हाँ समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रथ निकले थे, तो 14 ना, 16 तो नहीं निकले थे कि 18 निकले थे, 14 रत्न निकले थे, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न से बात करते हैं, असिधारा पथ का अर्थ है तलवार की धार, जल धारा, लक्ष्मी की चंचलता, समुद्र प्रवाह, असि मतलब क्या होता है, तलवार होता है, तो क्या हो जाएगा, तलवार की धार होगा ना, लक्ष्मी की चंचलता तो नहीं होगी,
असधारा पद का अर्थ है तलवार की धार। विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर है, तलवार की धार। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही चीज है, सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण कौन नहीं अपनाती? वही चीज है, राजागढ़, लक्ष्मी, सुखनास, कादम्बरी। सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण नहीं अपनाती है कौन? इसके पहले जैसे बताया गया, क्या क्या बताया गया इसके पहले? आपको एक लाइन बताएगी ना, ये पूरा पैराग्राफ है। पापी समझ कर किसके पास नहीं जाती है? हाँ, विनाशी लोग पापी समझ के नहीं जाती है, वैसे सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण नहीं अपनाती है कौन? लक्ष्मी नहीं अपनाती है, जिसके पास विद्या रहती है अर्थात सरस्वती रहती है उनको लक्ष्मी ईर्ष्या करती है, उनसे क्या करती है? ईर्ष्या करती है। जिसके पास विनयशील है उसे पापी समझती है। और भी चीजें होंगी, आप लोग क्या पैराग्राफ छह लोगों की बात करती है, तो विकल्प बी सही उत्तर है, सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण नहीं अपनाती है लक्ष्मी, सरस्वती जिसके पास रहती है उनसे वो ईर्ष्या करती है। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, ये 20वां प्रश्न था। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग प्रश्न पुस्तक मंगानी हो तो अपने घर तक मंगा लीजिएगा, यहाँ से निःशुल्क ऑर्डर करिए, और नंबर आपके सामने दिया गया है, इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, अपनी किताबें मंगा सकते हैं और घर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का एपिसोड यही खत्म होता है, फिर से हम नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।